एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। और बच्चों, आज हम जो है तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वासनगे की कविता रसास्वादन करेंगे। मैंने आहुति बनकर देखा, इंटरमीडिएट में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रगतिवादी काव्य का ही एक रूप प्रयोगवादी काव्य आंदोलन में प्रतिफलित हुआ। ये प्रगतिवादी काव्य रचनाकार थे। आइए देखते हैं इनकी एक रचना जो है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, और मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। तो यहाँ पर बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वासनगे यह बात कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि संसार मेरी कठिनाइयों से में मेरे साथ चले, संसार मेरी कठिनाइयों में मेरे साथ चले, मैं नहीं चाहता। और मेरे समय ये नहीं चाहता कि जो मेरा जीवन है रेगिस्तान की तरह, उस जीवन रूपी रेगिस्तान में देवताओं की बगिया के फूल खिले। यहाँ पर बच्चों जो आपका लिखा है जीवन मरु नंदन कानन, जीवन मरु और नंदन कानन में रूपक अलंकार है। लिखा है कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। बच्चों यहाँ पर कवि आगे कहना चाहते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वासनगे जी कहना चाहते हैं कि कांटा कितना भी कष्टदायक हो, उस कांटे में उसकी मर्यादा है, उसके तीखेपन की मर्यादा है। अगर कांटे में तीखापन ना हो तो कांटा कांटा नहीं होगा, यह उसकी मर्यादा है। अर्थात कष्ट में ही वास्तविक सुख निहित है। अगर कष्ट अपने शरीर को हम नहीं देंगे तो कष्ट हम सुख कैसे मिलेगा। तो ये एक जो है कष्ट के ही अंदर जो है सुख छिपा हुआ है। कवि आगे कहता है कि मैं कब कहता हूँ वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो कांटा मेरे लिए एक निम्न स्तर का फूल बने, ये मुझे सहनीय नहीं होगा। फिर आगे लिखा कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, और मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। अगर आपके प्यार में सच्चाई है तो आड़ की जरूरत नहीं है। आपका प्रेम अगर सच्चा है तो छिपाने की क्या जरूरत। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं युद्ध करूं तो युद्ध में मुझे कष्ट ना मिले, और मैं इसके भी इच्छा नहीं करता हूं, कामना नहीं करता हूं कि प्यार करने में प्राप्ति की आड़ भी मैं नहीं चाहता। भाई प्यार में अगर मेरे अंदर खोट होगा तभी मैं ओट या आड़ चाहूंगा या छिप के प्यार करूंगा, लेकिन मेरे प्यार में कोई खोटपन नहीं है, सच्चा प्रेम है, तो मैं आड़ नहीं चाहता, ओट नहीं चाहता। फिर इसके बाद कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। कवि कहते हैं, अज्ञे जी कहते हैं कि विजय करके मैं विजय प्राप्त करता हूँ तो विजय करके मुझे ऊंचे ऊंचे महलों की भी मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, केवल जो है पथ मेरा रहे प्रसस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, और नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं इसके लिए भी व्याकुल नहीं हूं कि मेरा पथ जो है प्रशस्त रहे। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर इसकी व्याकुलता ना हो कि मेरा मार्ग सदैव प्रशस्त रहे, है ना। अगर मैं सच्चाई पर चल रहा हूँ तो मार्ग वैसे ही प्रशस्त रहेगा, है ना। तो इसलिए मेरे अंदर इसकी व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। व्याकुलता होगी तो इसके मतलब है कि आपके काम में कमी है। और नेतृत्व छिनने का भय भी मुझे नहीं है कि लीडरशिप मेरी छिन जाएगी, जब मेरा काम अच्छा है तो लीडरशिप अपने आप आ जाएगी, है ना। फिर आगे यहाँ पर कविता है, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, और फिर उस धूली का कणकड़ भी मेरा गतिरोधक सूल बने, मेरा गतिरोधक सूल बने। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि चाहे नगर की मिट्टी धूल बन जाए किंतु मैं उपस्थित हूँ,
है ना, या मेरी मिट्टी चाहे नगर की धूल बन जाए या नगर की धूल बन जाए, मैं प्रस्तुत हूँ। उस धूल का प्रत्येक कण चाहे मेरी गति में बाधक बने, है ना, किंतु मुझे इसका दुख नहीं है, क्योंकि मैं संघर्षों से नहीं डरता, मैं प्रगतिवादी हूँ, मैं विकास पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं संघर्षों से नहीं डरता हूँ, केवल मेरे इसलिए मैं जो है मैं नेतृत्व का छिनने का मेरे अंदर डर नहीं है, है। तो इस तरह से कवि ने जो है इस कविता के माध्यम से प्रयोगवादी या प्रगतिवादी कविता का प्रयोग किया है। बच्चों जो है हम आगे का अर्थ जो है अगले वीडियो में डालेंगे, इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लो। धन्यवाद।